सब्सक्राइब करिए फूड फॉर लव चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। तो छोले भटूरे टेस्ट करने से पहले ये रिव्यू ले लेते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुफरान है। गुफरान नाम है, तो कितने सालों से आ रहे लगभग? मेरे को यहाँ आते हुए 99 से आ रहा हूँ। 99, तो मतलब 19 साल हो गए जी। 19 सालों से आ रहे हैं, तो कैसा लगा आपको टेस्ट? ये 19 साल पहले जैसा खाया था आज भी वैसा ही टेस्ट। अच्छा, कोई तोड़ नहीं है इसका। तो वैसा ही टेस्ट है जैसे 19 साल पहले खाया था। तो देखिए भाई, भैया ने अपनी प्लेट ख़त्म भी कर दी है, तो आइए टेस्ट करते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सीपी जनपद लेन। क्या खाने? छोले भटूरे। तो छोले भटूरों के लिए हम भोगल जी के पास हैं, तो आइए देखते हैं कैसा इनका टेस्ट, कितने रुपए का है और कैसे बनता है। चलिए, तो देखिए ये भोगल की दुकान है, ये सेटअप है इनका। तो लिखा हुआ ऊपर वर्षों पुरानी दुकान भोगल के छोले भटूरे। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जो यहाँ पे सीपी में ऑफिसों में काम करते हैं, तो 100 रुपये के अंदर आपका अच्छा लंच हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो इनके पास छोले कुलचे हैं, तो ये छोले कुलचे का काउंटर है। तो ये अंकल बैठे हुए हैं, देखिए। तो क्या क्या अंकल? छोले कुलचे और छोले पराठे हैं। तो आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो ये भोगल के छोले भटूरे वालों के ओनर है। तो क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित नाम इनका। तो कितने सालों से लगभग आपकी शॉप? मतलब 58 से। तो क्या क्या मिलता है आपके पास? छोले भटूरे, छोले राइस, मटर कुलचे, छोले पराठे। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली वो लोग आते होंगे जो यहाँ पे ऑफिसों में काम करते हैं या बाहर से घूमने आते हैं। फैमिली वाले भी आते हैं। अच्छा, फैमिली वाले। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं दूसरा काउंटर इनका। दोपहर को बहुत ज़्यादा। अच्छा, अंकल जी ने बताया दोपहर को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ जी। तो आइए, ये छोले इनके देखिए कंटेनर में रखे हुए, इतने बड़े कंटेनर में। तो किस पे गर्म होते हैं? अंगीठी पे गर्म होते रहते हैं, कोयले पे। तो कोयले का अलग ही स्वाद होता है। तो ये देखिए चावल है, छोले राइस, और यहाँ पे इनके छोले वो बनते हैं भटूरे। तो आइए भटूरे देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए, तो छोले भटूरे बन रहे हैं हमारे, देखिए। तो ये कि क्या चीज़ है? तंदूर है ये। तंदूर में गैस लगा रखी इन्होंने, अलग जुगाड़ है। तो देखिए नीचे गैस लगा रखी है। तो छोले भटूरे बन रहे हैं, देखिए क्रिस्पी से छोले भटूरे तैयार हो रहे हैं हमारे। तो आइए देखते हैं छोले कैसे होते हैं इनके, और कोफ्ते डले होते हैं मैंने सुना छोलों में। तो आइए देखते हैं छोले। तो देखिए हमारी प्लेट लग रही है, वहाँ से छोले डालेंगे भैया। देखिए उस कंटेनर में से छोले डल रहे हैं, और कोफ्ता डल गया हमारा। और ये देखिए ऊपर प्याज डाल दिए, और ऊपर ये अलग सी चटनी है। फाइंड आउट करेंगे कौन सी चटनी है। कौन सी चटनी भैया? कचालू की चटनी होती है इनके पास, बहुत अलग। तो छोले ले लेते हैं। तो ये देखिए ये छोले इनके बहुत टेम्पटिंग लग रहे देखने में ही। तो भटूरे और करवा लेते हैं। ये देखिए भटूरे तैयार हमारे। तो एक प्लेट कुलचे और लगवा लेते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। चलिए, तो आइए छोले कुलचे लगवाते हैं। तो लगाना अंकल एक प्लेट छोले कुलचे लगवाते हैं, छोले कुलचे भी टेस्ट करेंगे भोगल के। तो टमाटर डाल दिए, देखिए आलू, और इसमें से छोले निकाल रहे हैं। ये देखिए छोले निकल रहे हैं कंटेनर में से। क्या डाल दिया अंकल? मसाला है। नमक डाल दिया। किस चीज़? खट्टी मीठी चटनी? नहीं, खट्टी चटनी है, खट्टा बनाने के लिए छोलों को। तो इसको मिक्स कर रहे हैं, देखिए सेपरेटली बना रहे हैं सबके लिए अलग अलग, कोई पहले से बना हुआ नहीं होता इनके पास, सबके लिए अलग अलग बनाते हैं। नींबू डाल दिया ऊपर से, और कुलचे गर्म हो रहे हैं। देखिए कुलचे नॉर्मल हैं जो हर जगह होते हैं सभी कुलचे वालों के पास। देखिए, और इनके पास आलू के परांठे भी हैं, आलू के परांठे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। कितने बजे तक होती है अंकल दुकान? 4:30 बजे तक खोलते हैं। 11 बजे से 4:30 बजे तक। इसकी कॉस्ट कितनी है? वैसे सुबह 8 बजे से आलू के पराठे, सादे पराठे, आलू गोभी की सब्जी मिलता है। अच्छा, सुबह आलू के पराठे मतलब नाश्ता हो जाता है। अच्छा, और कितने रुपए प्राइस इसकी? एक पराठा आलू का 25 रुपए का है। अच्छा, एक पराठा। इसकी छोले कुलचे कितनी प्राइस है? 55 रुपए इसकी प्राइस है। और छोले भटूरों की? 60 रुपए खाने का है, पैकिंग का 65 रुपए। अच्छा, 60 रुपए एक प्लेट छोले कुलचे का, वो छोले भटूरे का है, और 65 रुपए पैकिंग का। तो ये टेस्ट करते हैं।
तो ये देखिए हमारे छोले कुलचे और भटूरे तैयार हैं, तो ये टेस्ट करते हैं। चलिए, तो ये सीपी के बहुत मशहूर छोले भटूरे टेस्ट करते हैं, भोगल के छोले भटूरे। तो देखिए ये भटूरे, थ्रो क्लोजअप लेना आ गया ना, तो ये छोले हैं इनके, बहुत अलग छोले हैं। देखिए जैसे घर पर छोले होते हैं ना वैसा कलर है, और जगह की तरह काले छोले नहीं होते, ब्लैक छोले। तो और हमने, और ये हैं इनके छोले कुलचे वाले छोले देखिए, और साथ में दो भटूरे और दो कुलचे। तो आइए टेस्ट करते हैं। तो देखिए बहुत अलग चीज़ है, इन्होंने पालक का कोफ्ता दिया इसमें भटूरों में, और ये देखिए पालक का कोफ्ता, और अंदर डाली कचालू की चटनी जो कि तीखी होती थोड़ी सी। तो ये टेस्ट करते हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा अभी से। तो ये टेस्ट करते हैं, पहले छोले भटूरे टेस्ट करते हैं। ये देखिए लिए छोले अच्छे से, थोड़ी सी कचालू की चटनी, तो टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अलग टेस्ट है, जैसे घर पर छोले होते हैं वैसा ही टेस्ट है, थोड़ा तीखा ज़्यादा है लेकिन। और छोले एक बार सेपरेटली टेस्ट कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छे छोले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। और इनके छोले कुलचे और टेस्ट कर लेते हैं। तो एक कुलचे का पीस लिया और ये लगाए छोले, देखिए गरम गर्मा गर्म छोले कुलचे वाले छोले हैं, मटर कुलचे जिसको बोलते हैं। ये देखिए एक नंबर टेस्ट, मज़ा आ गया। रेटिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए बिल्कुल 10 में से 10 फुल रेटिंग है इस चीज़ को, छोले भटूरे और छोले कुलचों के लिए भी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें @foodforlove। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।